तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 16 सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के बारे में जो भारत के डेवलपमेंट के लिए बेहद ही जरूरी हैं। 16वें नंबर पर आता है हिमंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को 1985 में शुरू किया गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ग्लेशियर के बीच में से मोटरेबल रोडों को बनाने का काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को ईस्टर्न लद्दाख में बनाया जा रहा है जो ससोमा से ससेरला के बीच में होगा। ये भारत के बेहद ही मुश्किल प्रोजेक्टों में से एक है। ये एरिया एवलांच प्रोन है। साथ ही ग्लेशियर के बीच में से रोड बनाना बेहद ही मुश्किल काम है। 15वें नंबर पर आता है जंस्कर हाईवे प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत लद्दाख के जंस्कर वैली को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बनने से इस एरिया में कनेक्टिविटी मजबूत होगी जिससे आर्मी के मूवमेंट को भी आसानी होगी, साथ ही ट्रेवल टाइम में भी कमी आएगी। 14वें नंबर पर आता है इंडियन रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है कैनाल और रिजर्वोयर के जरिए। इस प्रोजेक्ट से इरिगेशन फैसिलिटी बेहतर होगी, इससे ग्राउंड वाटर में भी वृद्धि होगी तथा बाढ़ से भी बचाव हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 2015 में कृष्णा नदी को गोदावरी नदी से कनेक्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से नदियों के जरिए माल ढुलाई में भी आसानी होगी। 13वें नंबर पर आता है भारतमाला परियोजना। भारतमाला एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में हाईवे का जाल बिछाना है जिससे माल ढुलाई में काफी आसानी होगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए ग्रामीण इलाकों, रिमोट इलाकों और ट्राइबल इलाकों में हाईवे का नेटवर्क बेहतर करना है। इस प्रोजेक्ट के जरिए देश 550 डिस्ट्रिक्ट को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए बहुत सारे एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज का निर्माण किया जा रहा है। 12वें नंबर पर आता है कल्पासार प्रोजेक्ट। कल्पासार प्रोजेक्ट के तहत 34 किलोमीटर लंबे डैम का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को कंबाट की खाड़ी में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य फ्रेश वाटर लेक बनाना है जिससे क्षेत्र में इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया जा सके। ये डैम 10,000 क्यूबिक मीटर पानी को रोक सकता है जो गुजरात के एनुअल रेनफॉल का 25% है। 11वें नंबर पर आता है सेतु भारतम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत देश में हाईवे पर पड़ने वाले लेवल क्रॉसिंग्स को हटाकर एलिवेटेड क्रॉसिंग्स बनाना है तथा पहले से बने हुए फ्लाईओवर की मरम्मत शामिल है। इस प्रोजेक्ट से यात्रियों का काफी समय बचेगा। 10वें नंबर पर आता है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा। इसका निर्माण अभी चल रहा है जिसके जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद ये देश का सबसे लंबा सी ब्रिज होगा। ये एक 21.6 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। इस प्रोजेक्ट के बन जाने से दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। 9वें नंबर पर आता है सागरमाला प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भारत के कोस्ट लाइन को बूस्ट करेगा। महत्वाकांक्षी सागरमाला प्रोजेक्ट से कोस्ट और ट्रांसपोर्टेशन टाइम में काफी कमी आएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत पुराने पोर्टों को रिनोवेट किया जा रहा है, साथ ही नए पोर्टों का भी निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के बन जाने से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में काफी आसानी हो जाएगी। 8वें नंबर पर आता है न्यू मेट्रो लाइंस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के मुख्य शहरों में मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। मौजूदा समय में देश में 15 मेट्रो सिस्टम्स ऑपरेशनल है जिसकी कनेक्टिविटी 18 शहरों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुताबिक 2025 तक 25 शहरों में मेट्रो दौड़ेगी जिसके लिए काम बेहद ही जोरों शोरों से चल रहा है। इंडिया में मेट्रो की टोटल लेंथ 859 किलोमीटर है। मेट्रो लेंथ के मामले में भारत दुनिया में 4थे नंबर पर आता है। जल्द ही भारत तीसरा रैंक हासिल कर लेगा। भारत के मेट्रो सिस्टम को लेकर हमने पहले भी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। आपका क्या मानना है बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। 7वें नंबर पर आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस वे देश की राजधानी को आर्थिक राजधानी से कनेक्ट करता है। इस एक्सप्रेस वे की लेंथ 1250 किलोमीटर जिसके गुरुग्राम से लेकर दौसा के खंड को कर दिया गया था। बाकी हिस्सों को भी धीरे धीरे करके पार्ट्स में ओपन कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के फुल्ली ऑपरेशनल होने से दिल्ली से मुंबई जाने में 12 घंटे का समय लगेगा जो अभी तक 24 घंटे लगते हैं। ये 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को आपस में कनेक्ट करेगा तथा इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तथा इस एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक हाईवे में भी कन्वर्ट किया जा सकेगा। छठे नंबर पर आता है चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। ये उत्तराखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चारों धाम आपस में बेहतर रोडों के साथ कनेक्ट कर दिए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बन जाने से श्रद्धालुओं को ट्रैवल करने में काफी आसानी होगी। पांचवें नंबर पर आता है चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट। चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट से भी चारों धामों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तथा इसका काम काफी तीव्र गति से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट के तहत 21 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 43,292 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 61 टनल्स का निर्माण किया जा रहा है तथा इस प्रोजेक्ट की सबसे लंबी टनल 16 किलोमीटर की होगी तथा इस प्रोजेक्ट में 59 ब्रिजों का निर्माण किया जाएगा। छह नंबर पर आता है USRBRL प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। USBRL प्रोजेक्ट के तहत इस सेक्शन का काम 95% पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की कुल लेंथ 272 किलोमीटर थी जिसका 161 किलोमीटर का हिस्सा पहले ही तैयार कर लिया जा चुका था तथा इसी प्रोजेक्ट पर दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चेनाब ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के पूरी तरीके से बन जाने से मिलिट्री मूवमेंट में भी आसानी होगी तथा वंदे भारत एक्सप्रेस को कश्मीर तक चलाया जा सकेगा। तीसरे नंबर पर आता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत देश में माल गाड़ियों के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है जिसके बहुत से सेक्शनों को कमीशन कर दिया गया है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर व तरना से JNPT तक का हिस्सा कमीशन होना बचा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर माल गाड़ियां 100 की अधिकतम रफ्तार से चल सकती हैं। भविष्य में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण होना है। इनके बन जाने से देश में माल ढुलाई में क्रांति आ जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है हाइपर लूप प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को मुंबई से पुणे के बीच बनाया जाएगा। हाइपर लूप के जरिए 1200 किलोमीटर पर आधी रफ्तार से यात्रा करना संभव होगा जो हवाई जहाज से भी ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट के बन जाने से समय की काफी बचत होगी तथा दोनों शहरों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इस प्रोजेक्ट को वर्जिन ग्रुप द्वारा बनाया जाएगा। पहले नंबर पर आता है डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के सभी महानगरों को बुलेट ट्रेन द्वारा आपस में कनेक्ट किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। भविष्य में इसे एक्सटेंड करके अहमदाबाद से दिल्ली तक कर दिया जाएगा। साथ ही भारत के दूसरे महानगरों से भी बुलेट ट्रेन को कनेक्ट किया जाएगा जिस पर आने वाले 4-5 सालों में काम शुरू हो जाएगा। आपके वीडियो को लेकर क्या विचार है बताइएगा कमेंट सेक्शन में।